तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से पहले से गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से करता हूँ शुक्रगुजार हूँ कि दोस्तों एक बड़े लीडर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि सबसे के अंदर करता है वो कैसा लीडर है जिसको सिस्टम के बारे में पता नहीं है एंड ही ट्राइंग टू बी बेटर। कैसे देखिए बातों से नहीं होता, चीजों को सीखना जरूरी होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी। तो दोस्तों दिल्ली में जूम के अंदर हैं, यू आर द ग्रेट लीडर्स एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट द सिस्टम अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट यू विल बी ट्रांसफर टीम एंड योर टीम बी मोर they will start working very fast. तो दोस्तों ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक अच्छी टीम फिंटोच की बात है दोस्तों, फिंटोच किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जो जो चीजें उसने जो जो बातें कही हैं सारी बातें आपके सामने हैं, हर चीज तो सही वक्त पर और सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों फिंटोच की बात करें, फिंटोच बेसिकली काम करती है परफॉर्मेंस क्या है और आपको बताया, देखिए आपने देखा था टॉप की जो थी ब्लॉक चेन थी वो तीन थी, जिसमें सबसे पहले ERC-20 थी, फिर TRC-20 बनाई और उसके बाद अभी उसमें भी इशू आने की वजह से D20 बनाई के आपको टॉप की बड़ी बुला मिलती है जो कि FRC-20 है। तो जितने उनको 2.0 के ऊपर बनाया गया सेकेंड जनरेशन के ऊपर, अभी को क्रॉस करके थर्ड जनरेशन के ऊपर बनाया गया है, मतलब अभी थर्ड जनरेशन आया है उसको भी क्रॉस करके थर्ड जनरेशन के ऊपर बनाया गया है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आउट करने दैट्स उस हम पैसे क्या कर सकते हैं इस फाइनेंशियल से सकते हैं हम क्या कर सकते हैं रेट से। हाँ तो इसका फाइनेंशियल सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हम चेन स्ट्रक्चर में उस हम इसका एक डिजाइन भी है इस प्रिंसिपल और ये किस टेक्नोलॉजी होता है इन सारी चीज दोस्तों हमने देखा है। हम इसका फिनांशियल के बाद इस सिस्टम के सिस्टम है वो इसका फिनटोशियल इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है ये सारी चीज को हमें देख रहे हैं। दोस्तों जरा मुझे ये बताइएगा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सुबह सर, स्क्रीन नजर आ रही है सुबह सर? सर आपका आवाज है ना ब्रेक होके आ रहा है। स्क्रीन 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 ठीक है लेकिन आगे वाला पेज बदल रहे हैं, पेज बदल रहे हैं मेरे पेज नहीं 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 पेज बदल रहे हैं नहीं आ गया हाँ बदल गया स्लो है नेट स्लो है बड़ा स्लो है आ गया। मैं भी थर्ड पेज पर चला गया हूँ। जी दोस्तों तो फिंटोच पब्लिक चेन के हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो फिंटोच का पब्लिक चेन है इसको किस तरह बनाया गया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको थर्ड जनरेशन के ऊपर बनाया गया है और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन है जिसका जो स्ट्रक्चर है इस चेन का स्ट्रक्चर है वो एक डाओ के ऊपर बनाया गया। डाओ क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी देकर ले सकते हैं और डिफरेंट आकर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो ये डाओ बन जाता है कि मतलब करेंसीज आके उस सिस्टम के ऊपर को बड़ा सिस्टम बना ले वो सिस्टम है डाओ कहलाते हैं। और इसके डिजाइन की बात करें इसके सपोर्ट की बात करें इसका जो फाइनेंशियल ब्लॉकचेन का वो बहुत ईवीएम की बात करें बहुत दोस्तों
और इसके अंदर जो सिस्टम है, इसका सिस्टम है वो डिवर्स इको सिस्टम बनाया गया है, दैट फैंटेस्टिक एंड रियल सिस्टम, जो कि किस जनरेशन के ऊपर वर्क करता है, थर्ड जनरेशन के ऊपर वर्क करता है। और दोस्तों हम इसके डब स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि इस पब्लिक चेन का, इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात करनी है, फिर इस सिस्टम के डाउ चेन स्ट्रक्चर की बात करनी है कि इसका जो डाउ चेन स्ट्रक्चर है, मेन चेन है जिसको हमने पैरेलल चेन का नाम दिया है, किस तरीके से वर्क करता है। देखिए आपने मार्केट के अंदर देखा कि मुख्तलिफ आपके सामने मुख्तलिफ ब्लॉक चेन मौजूद हैं, लेकिन हर ब्लॉक चेन को जब थर्ड जनरेशन के ऊपर लेड आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया, तो उनमें क्या हुआ कि जो चेन थी ना, मेन चेन और जिसकी पैरेलल चेन थी, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। होता क्या है, बेसिकली एक सेंसर्स के थ्रू एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सारा सिस्टम। अब जो पैरेलल चेन होती है, उन चेन का क्या काम, इनके साथ बाइंड की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ब्लॉक चेन के थ्रू, उसको उसकी फेस कर रहे थे मार्केट के अंदर। ब्लॉक चेन के अंदर हम तीन से डिसेंट्रलाइजेशन था। देखिए आप चीजें जैसे भी चेन को सिटी को देख लें, हमारे पास है, इसको बनाया इस फिनटोच के सिस्टम ने, इसको की बात करें दोस्तों तो जीरो है। देखिए आप कोई भी यूज करते हैं तो आज इतने किसके ऊपर के ऊपर काम करते हैं, ठीक बात करें तो इसको दूसरी ब्लॉक चेन जो है उसके ऊपर प्रायोरिटी हासिल है। और बहुत ही जबरदस्त जो सिक्योरिटी उसको भी बोलो बोलो जी। सुबह सर, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सर मेरा आवाज नहीं कर रहा है, लगाई हुई है उसमें बस ठीक कर रहा है मेरे। राहुल सर कैसा वहां पे, कैसा आवाज आ रहा है सर? आवाज तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आवाज आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग इसलिए लेफ्ट भी हो गए क्योंकि आज आवाज क्लियर नहीं है। आज 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 मेरे ख्याल से अली सर का जो नेटवर्क है ना, इंटरनेट वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा शायद। ये मैंने साथ में ना लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ है ना, लेकिन आवाज तो सही आ रही है मेरे पास। नहीं सर, यहाँ पे इधर सही नहीं आ रही है, काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। 500 का ग्रुप का मैंने कॉल लिया था, 5400 इंडियन करेंसी, 500 कॉल का भी नहीं हुआ, उसी का अपडेट किया था। आज मेरा हो सकता है दूसरा नंबर से हुई उसमें, आज भी नहीं हुआ, 100 आदमी से नहीं हुआ। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ अब आ गया, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्या है कि इसका जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉक चेन का इकोसिस्टम है कैसे काम करता है। देखिए इकोसिस्टम की जब बात आती है तो इकोसिस्टम क्या है बेसिकली, इकोसिस्टम कहते हैं किसी चीज के मजमुए को, सिस्टम्स के मजमुए को। राहुल सर हैंड लोअर कर लीजिए ना। तो इकोसिस्टम बेसिकली कहते हैं हम एक मजमुए को कहते हैं जहां पर मार्केट्स का गढ़ हो, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। और ये जो फिनटोच है हमारे पास, कोई एक सिस्टम नहीं बनाया गया, इस एक सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करता, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें मल्टीपल मार्केट्स हैं और हर प्रोजेक्ट्स ने वक्फे वक्फे से लिस्ट होना है, लॉन्च होना है, और हमने यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने हैं। एक वक्त की हमारी मेहनत है और उस टीम से हमने बहुत सारा पैसा बनाना है।
दोस्तों इसमें कौन कौन सी मार्केट है? इसमें फिन पे है, फिन बिल मार्केट है, फिन बॉक्स मार्केट है, फिन एक्स मार्केट है और फिन सोल मार्केट है। ये पांच बड़ी बड़ी मार्केट है इस सिस्टम के अंदर, इस डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर, और इन पांचों मार्केट को दुनिया के अंदर लेकर आया जाएगा। आज देखिए हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं, हम क्योंकि जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं सारी की सारी चीजें या तो हम अपने हाथ में अपने कंट्रोल में है या फिर हम ऐसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं जिसका कोई ना कोई ओनर है और उन सर्विसेज को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों फिन पे क्या है? एक पेमेंट मेथड है जिसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। जैसे हमें एक छोटी सी मिसाल दो, हम बिना एक्सचेंज को यूज करते हैं तो उसमें एक पी टू पी ऑप्शन का होता है। वहां पर हम क्या करते हैं कि अपनी फिएट करेंसी को बैंक के थ्रू डिपॉजिट करके हम वहां पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले लेते हैं, और कोई क्रिप्टो करेंसी बेचनी हो तो उसको हम अपने बैंक में अपनी फिएट करेंसी के अंदर हम पैसा ले लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी को सेल कर देते हैं। बेसिकली फिन पे है जिसमें डिफरेंट पेमेंट मेथड को यूज करके पैसा बनाया जाता है। फिन बिल क्या है दोस्तों? ये भी एक ट्रेडिंग मार्केट होती है जिसमें क्रॉस चेन फिनेंशियल बिल के थ्रू डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज को यूज करके पैसा बनाया जाता है। और इस तरह फिन बॉक्स क्या है? ये एक वेब थ्री का प्रोग्राम होता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, सेम लाइक दैट ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। बट आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ पड़ा है, किसी का पेज हैक हुआ है, किसी का ग्रुप हैक हुआ पड़ा है, किसी की इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई है, व्हाट्सएप तो आए दिन ही बैन हो जाता है। इस चीज को सोल्यूशन के लिए, इस चीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने फिन बॉक्स वेब थ्री एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। हमारे पास क्या होगा कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा और ब्लॉकचेन के थ्रू ही हम मैसेज करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग, पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल थ्रू द डिसेंट्रलाइज। ना डाटा का चोरी होने का खतरा, ना बैन होने का खतरा। एक बार सिस्टम के अंदर हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया तो हमेशा रहेगा। इसके बाद फिन एक्स है, डेरिवेटिव्स और एक्सचेंजेस। डेरिवेटिव्स कहते हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे एक बड़ी फैमिली है तो उसके साथ में एक छोटा सा फैमिली होता है तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो इन्होंने फिन एक्स लेकर आना है, डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस लेकर आनी है जो इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगी, इस सिस्टम को ऊपर लेके जाएंगे फिनटोच के। फिन सोल है दोस्तों दुनिया का टॉप का डिजिटलाइज्ड नेक्स्ट जनरेशन गेम फाइव सिस्टम है, मेटावर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है, और एनएफटी प्लेटफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। दुनिया का बहुत डाइवर्स और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ा सिस्टम है। ये किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको चलाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। देखिए दुनिया आज किस चीज के पीछे भाग रही है दोस्तों? दो चीजों के पीछे भाग रही है। एक, दुनिया चाहती है कि हमारा सारा निज़ाम डिसेंट्रलाइज हो जाए, वी विल बी स्पेयर ऑफ टाइम, हमारा जो टाइम है वो कीमती टाइम बच जाए और सारी चीजें खुद ब खुद काम करें। और दूसरा, दुनिया कहती है कि हमारे इस काम को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने चाहिए, रोबोट्स होने चाहिए जो हमारे काम को आसान बनाए। अब मुख्तलिफ वर्ल्ड के अंदर अब दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी हैं, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर नहीं है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके इसको बनाया गया? तो इसके दोस्तों पांच चीजें हैं जिनको यूज करके सिस्टम को मुतारफ किया गया। एक तो इसकी चेन परफॉर्मेंस के ऊपर, बेसिकली क्या है इसका सेंसर्स क्या है, और मेन चेन जो है इसका वो एसेट प्रूफ ऑफ स्टेकिंग ऊपर किस तरीके से काम करता है, जिसके अंदर क्रॉस चेन स्वैपिंग होती है, एटॉमिक स्वैपिंग होती है किस तरीके से होती है, इसका जो इथेरियम जैसे लेयर टू सॉल्यूशन बनाया गया है जिसको जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर बनाया गया है वो किस तरीके से वर्क करता है, ईवीएम कंपेटिबल ये सिस्टम कैसे है, क्या ये इथेरियम की चेन के ऊपर वर्क करता है, क्या इथेरियम चेन मशीन जैसा है, इस सिस्टम को कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो मेन चेन का ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, जो स्पीड है इसकी 75,7,500 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड,
और इसके साथ जो पैरेलल चेन्स हैं, क्योंकि ये दो सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, मेन चेन और पैरेलल चेन। जो पैरेलल चेन है उनकी जो ट्रांजेक्शन स्पीड होगी 1 सेकंड के अंदर 80,000 ट्रांजेक्शन प्लस 1 सेकंड के अंदर। और ये सारा का सारा जो एसेट प्रूफ ऑफ स्टैकिंग है, ट्रांजेक्शन हैं, किसके थ्रू होंगी? जो हमारे पास सुपरवाइजरी नोड्स हैं, जो 100 नोड्स हैं, जो कंपनीज ने मुतारिफ करवाया है 100 नोड्स को, उसके थ्रू वैलिडेटर्स इस चीज को सारे को परफॉर्म करेंगे। और इसका जो एक ब्लॉक है दोस्तों, अभी माइनिंग स्टार्ट होगी, एक ब्लॉक जो कि 10 FTC माइन करता है वो कितना टाइम लेता है? 3 सेकंड लेता है। देखिए इसकी परफॉर्मेंस चेक करें, ट्रांजेक्शन चेक करें, पैरेलल ट्रांजेक्शन चेक करें, हर चीज की परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त है इसका। फिंटोच के पब्लिक ब्लॉकचेन की हम बात करें दोस्तों, तो ये एसेट प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के ऊपर काम करता है मेन चेन, और दूसरी जो पैरेलल चेन है जिसको सपोर्ट कर रही है वो सारे सेंसेस के ऊपर काम करती है। वो प्रॉफिट के ऊपर भी काम करती हैं, एसेट प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के ऊपर भी काम करती हैं, प्रूफ काम करती हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर भी काम करती हैं। अब दोस्तों सारे फिंटोज का जो सेंसस मैकेनिज्म है इसको इस वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम का मैकेनिज्म है, उसको बेहतर बनाया जाए। अटोमिक स्वैप एसेट किस तरह काम करते हैं, ये क्रॉस चेन बेसिकली कैसे काम करती है? क्रॉस चेन होते हुए दोस्तों डिजिटल एसेट के इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो पब्लिक चेन है उसको अटोमिक स्वैप बनाया गया है। अब वो कैसे काम करती है? पीर टू पीर काम करती है। ट्रांजेक्शन का जो सिस्टम है उसमें डिफरेंट ब्लॉक चेन्स को यूज करके अलाउ किया जाता है कि इसके अंदर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एसेट लिक्विडिटी यहाँ प्रोवाइड करें, या उस एनहांस करके आप वहाँ पे स्वैपिंग करके भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है एक क्रॉस चेन के अंदर 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। अब सपोज करें मैं एडा के अंदर एक ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता हूँ, ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगी और INB के पास वो ट्रांजेक्शन लॉक हो जाएगी। लॉक होने किस तरह होगी? उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस में, क्योंकि एक एडा की ब्लॉक चेन है वो उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस में जाके उसका जो हैश है लॉक हो जाएगा। उसी ट्रांजेक्शन को रिस्पोंड करेंगे और वो ट्रांजेक्शन BTC के अंदर जाके लॉक हो जाएगी, उसके कॉन्टैक्ट के अंदर उस हैश को लॉक कर लेगा। अब ट्रांजेक्शन दो जगह लॉक हो चुकी है, एक एडा की ब्लॉक चेन में, दूसरा BTC या स्किप्स ब्लॉक चेन में। स्टेप 3 में इन दोनों की ऑथेंटिसिटी होगी, दोनों ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन होगी, और जो एडा का ब्लॉक चेन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेगा। अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो गई, बोथ पार्टीज ने इसको कंप्लीट कर लिया, तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड ना हुई, इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देंगे या इसको ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देंगे, फिर ये लॉक नहीं रहेगी, एक हैश से दूसरे हैश से तीसरे हैश में लॉक नहीं होगी, इसको ऑटोमेटिकली अनलॉक कर लेंगे। इसका जो जीरो है, जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर वर्क करता है, ये किस तरह काम करता है दोस्तों? इसको जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर Layer 2 सोल्यूशन के ऊपर इस तरह बनाया गया है कि इसका एक एक्सपेंशन सोल्यूशन ढूंढा गया जिसमें फिंटोच की दो चेन्स हैं, जिसमें आपको बताया एक मेन चेन और दूसरी पैरेलल चेन। अब इसका जो ऐसा मॉड्यूल बनाया गया है, इसको ऐसी बिल्डिंग की गई कि जो पैरेलल चेन है और मेन चेन है, फिन चेन जिसका नाम, जो पैरेलल चेन है वो फिन चेन के थ्रू ही काम करती है। अब फिन चेन और पैरेलल चेन ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो नॉन इंटरेक्टिव हैं आपस में, लेकिन वर्क दोनों किस तरह काम करते हैं? जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर काम करते हैं, और जो इसका जो इंश्योर है इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ये फिन चेन और इसका जो पैरेलल चेन है दोनों मिलके इसकी प्राइवेसी को, इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर बनाती है दोस्तों। फिन चेन जो कि फिन चेन के थ्रू पैरेलल चेन वर्क करती है, इसका जो एक्सपेंशन सोल्यूशन ढूंढा गया है इन दोनों चेन का, एक मॉड्यूल बनाकर बिल्ड किया गया है इसको, इसके जो दोनों मेथड हैं, इसके दोनों प्रूफ ऑफ मेथड हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से इस चेन की फाउंडेशन बनाते हैं जो कि यहाँ पे एक फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। अब ये जो मेन चेन और पैरेलल चेन है इसको ऐसा मजबूत सिस्टम बनाती हैं जो कि यहाँ से हमारे फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, और यहाँ से हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। EVM फुली कंपेटिबल कैसे है दोस्तों? इथीरियम का वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करता है। ये जो मशीन है ये स्टेटिक भी हो सकती है, वोलेटाइल भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम काउंटर है PC के ऊपर, इसको
गैस अवेलेबल किया जाता है, स्टैक किया जाता है और मेमोरी के अंदर जाकर इसको फिक्स कर दिया जाता है। कैसे? एक ईवीएम कोड के जरिए इसका वर्चुअल रूम होता है, वहां पे इसको इम्यूटेबल कर दिया जाता है। अकाउंट की जितनी भी स्टोरेज होती है, जो वर्ड स्टेट होती हैं, प्रेसिडेंट जैसे जितना भी मेमोरी होगा, वो इस मशीन के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसको डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है डाटा वाली, ये भी सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। फिनटॉच चेन के फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मजबूत करने के लिए हमारा मेन चेन और साथ में डिफरेंट पैरेलल चेन को मुतारिफ करवाएगा, एक बहुत ही मजबूत सिस्टम को बनाया गया है। फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, कितने चीज़ें हैं इसमें जिसमें से हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका FTC नेटिव टोकन है जहाँ से हम एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्रॉस चेन इसकी डेक्स है जो कि फिन स्वैप है, आपके सामने लाइव हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे ही। डिसेंट्रलाइज अभी इसका PoP लाइव हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे जो आपकी फिएट करेंसी को डिफरेंट क्रिप्टो के अंदर कन्वर्ट करें और आपसे क्रिप्टो लेकर आपकी फिएट करेंसी। और इसका दोस्तों फाइनेंशियल सोल बॉन्ड टोकन जो है वो भी लाइव हो जाएगा बहुत ही देर में। ये बेसिकली FinSBT की दोस्तों, FinSBT बेसिकली एक NFT है। NFT क्या होता है? NFT होता है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन। अब देखिए इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी कम्युनिटी, जब इसका NFT लॉन्च होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा, कितना वैल्यूएबल होगा, कितना टॉप का होगा। इसका दोस्तों एक नेटिव टोकन है, क्योंकि हर ब्लॉक चेन के अंदर दो टोकन होते हैं, एक वो टोकन जो उसकी गैस फीस के लिए यूज होता है और दूसरा वो टोकन होता है जो स्टेबल टोकन होता है जिसके थ्रू पेयर्स बनाकर जो डिफरेंट कॉइन्स होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है। इसका जो स्टेबल टोकन है दोस्तों FUSD है, क्योंकि फिनटोच USDT के साथ फिनटोच का एफ लगा दिया, FUSD इसका स्टेबल टोकन। और FTC जो है इसका नेटिव टोकन, गैस फीस टोकन। FTC का जो नेटिव टोकन है उसकी सप्लाई कितनी है दोस्तों? उसकी टोटल सप्लाई जो है, जो टोटल इशू वॉल्यूम होगा वो 840 मिलियन होगा दोस्तों। और मेथड उसका क्या है कि 100% का 100% किसी के पास कुछ नहीं है, सब लोग क्या करेंगे सुपर नोड्स के थ्रू माइन करेंगे। अब कंपनी के पास कहाँ से आएगा? देखिए आप लोगों ने नोड्स नहीं बाय किए, आपने इसको मजाक समझा, तो एट द एंड आपने देखा कि कंपनी ने जितने भी नोड्स रहते थे सारे के सारे कंपनी ने एकदम से खुद बाय कर लिए। तो जब लेजीनेस कम्युनिटी दिखाती है देन टेक द बेनिफिट ऑफ कंपनी। पहले उन्होंने आप लोगों को मौका दिया, जब आप लोगों ने लापरवाही की, देखिए आप लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ द डॉलर्स को जाया किया अपने सुपर नोड्स के थ्रू, आपने जहमत नहीं की कि आप उसको उसका सुपर अपने वोचर के थ्रू उसका जो सब्सक्रिप्शन थी उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो कंपनी ने इस चीज़ का बेनिफिट लेकर एकदम से सारे नोट्स जितने भी रहते थे सारे के सारे बाय कर लिए। तो दोस्तों इसका माइनिंग कैसे होगी? माइनिंग होगी 100% माइनिंग कैसे होगी? एक ब्लॉक जो कि 3 सेकंड लेता है 10 FTC माइन करता है, और ये 4 ईयर्स का हालविंग पीरियड होगा। और इसी तरह एक हालविंग पीरियड फिर दूसरा हालविंग पीरियड, इन हालविंग पीरियड के थ्रू क्या होगा कि इसकी माइनिंग की जाएगी। अब दोस्तों क्रॉस आपको पता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, फिन स्वैप आपके सामने स्टार्ट से ही लाइव हो चुकी, आप किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो दोस्तों इसका डिसेंट्रलाइज चेंज लाइव हुआ है वो आपको बहुत सारे मौके फराहम करता है कि आप यहाँ से पैसे को जनरेट करें। देखिए वो आपको लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइड करके भी पैसा बना सकेंगे दोस्तों। डाउ चेन लाइटनिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आपको कि आप क्या कर सकते हैं अटोमिक स्वैप सर्विसेज से, इसकी डेवलपमेंट में, एक्सचेंज प्रोसेस में, आप एसेट को क्रॉस चेन के थ्रू यहाँ पर पैसा जनरेट कर सकेंगे। AM थर्ड जनरेशन सिस्टम है जो यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्केटिंग सिस्टम है, आप क्रॉस चेन के थ्रू स्वैप परफॉर्म करता है जिसमें आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके दोस्तों आपको अपना जो इसका कंट्रोल है और इसका जो प्राइस का रेंज है, आपके जो कैपिटल एलोकेशन है, यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उस सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखिए एक्सचेंज हमारे सामने लाइव होने वाला है और इसका जो डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट है ये किस तरह काम करेगा? आपको पता है कि क्रेडिट जो है एक बेसिकली फिनेंशियल इंडस्ट्री होती है कोर की, स्टेबल किया जाता है ब्लॉकचेन का जो फिनेंशियल क्रेडिट होता है उसको, ये रिक्वायरमेंट होती है
एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो कि कंप्लीटली जिसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल रिलायबल हो और बिल्कुल सिक्योर हो। तो ये फिनटोच का डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ जो क्रेडिट है, ये नॉन इंट्रैक्टिव और जीरो नॉलेज प्रूफ मेथड के ऊपर वर्क करता है। और फिनटोच जो चेन है आपको पता है, कंप्लीटली वेरीफाइड और कस्टमर क्रेडिट चेन है। अब जितना भी इसके अंदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होंगे, नोड फिनटोच चेन के जितने भी नोड्स हैं, वो कंप्लीट रिवार्ड और उसके जो मैकेनिज्म है, इसकी अथेंटिसिटी को, इसकी वैलिडिटी को और तमाम इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है। उसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसका जो डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट को मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज तरीके से सेफ रखा जाएगा। दोस्तों, इसका जो फिनेंशियल सोल बॉन्ड टोकन है, जिसको फिन SBT के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों SBT क्या है, इसका नॉन ट्रांसफरेबल NFT एक टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन है, जिसको हम NFT के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, जिसको मेटावर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, गेमफाई प्लेटफॉर्म के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे NFT को। और दोस्तों, यहाँ पे NFT के भी लेवल्स होंगे डिफरेंट किस्म के। तो ये जैसे लॉन्च होगा तो इसको थर्ड चेन, ब्लॉक चेन के ऊपर, पब्लिक चेन के ऊपर इसको लाइव किया जाएगा SBT के नाम से, और इसको माइनिंग की जाएगी। तो दोस्तों, ये अलग से एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर अलग से हम एक बहुत बड़ा टीम के रेवोल्यूशनल लेकर आएंगे, क्रिएट करेंगे। दैट्स द फैंटेस्टिक एंड अमेजिंग इकोसिस्टम, दैट इज द फ्यूचर। अभी दोस्तों, जितना जितना आता जा रहा है उस चीज़ से फायदा उठाएं, एंड ट्राई टू गेट द मैसिव अमाउंट ऑफ द कम्युनिटी, एंड यू विल गेट द सक्सेस इन दिस सिस्टम। नेट स्टेबल टोकन है दोस्तों इसका FUSDT। यूजर्स क्या कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं, इस नेटिव स्टेबल करेंसी को कैसे हासिल कर सकते हैं, अपने ये जो जिन लोगों ने यहाँ पर सुपरवाइजर नोड्स बाय किए हैं, उनका जो एनुअल रिटर्न होगा स्टेबल कॉइन के अंदर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20% लेकर 100% तक उनको मिल सकता है। अब स्टेबल करेंसी आपको पता है कैसे हो सकती है, ये भी आपको मेंटिंग से ही मिलेगा। जो लोग मेंटिंग कर रहे हैं उन्हीं लोगों को ये FUSDT भी मिलना है। ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा ओनर के पास होगा और वो अचानक से मार्केट के अंदर फेंक देगा। दोस्तों, फिनटोच के चेन के फिनेंशियल इकोसिस्टम और वैल्यू की बात करें तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें फिन पे आता है, पेमेंट एप्लीकेशंस आती हैं, इकोसिस्टम वैल्यूशंस आता है, फिन बिल जिसमें हम फिनेंशियल बिल मार्केटिंग आती है, फिन बुक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, और फिन शोल जो है हमारा नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन गेम फाई सिस्टम है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के थ्रू वर्क कराया जाए। तो पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे है फिनटोच का, किस तरीके से लगता है। अब बैंकिंग सिस्टम है इसका, आपको पता है बैंकिंग सिस्टम होता है। अब बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर एक तो दोस्तों इसमें 3 तरह की मार्केटें हैं, 3 तरह से यहाँ पर हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, फिन पे से और फिन सोल से, फिन स्वैप से। फिन पे जो पेमेंट गेटवे है, ये किस तरीके से काम करता है, API के थ्रू काम करता है, क्रॉस चेन ब्रिज के थ्रू काम करता है, जिसको हम फिन ब्रिज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है कि इसके थ्रू हम जितनी भी हमारे डिजिटल करेंसीज हैं उसको हम फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिएट करेंसीज को हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिन सोल क्या है, बेसिकली मेटा और यूनाइटवर्स का 2.0 सॉल्यूशंस के ऊपर, लेयर के ऊपर बनाया गया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम फाई यूज किया जाएगा, डेफी होगा, क्रिएटिव मार्केट होगी एक मेटावर्स की और यूनाइटवर्स की, और इसमें NFT को, प्रोग्रामेबल NFT का प्लेनेट एपिक NFT लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट होगा। दोस्तों, फिन स्वैप क्या है, आपको पता ही है क्रॉस चेन स्वैप है, फिन ब्रिज जो कि क्रॉस चेन के थ्रू काम करती है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी है, डिसेंट्रलाइज क्रॉस चेन है, पब्लिक चेन है, तमाम डिजिटल करेंसीज को फॉलो करती है। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर देखिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि हाँ से हम एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट करेंगे बाय फॉलोइंग दीज ऑल द मार्केट्स। फिन बिल, फिनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट की बात करें दोस्तों, बी को बेसिक इको सिस्टम है, तो फिनटोच पब्लिक बिल जो पब्लिक चेन है उसके थ्रू काम करेगा। फिन बिल जो है
यूज करेगा Web 3.0 के कंसेप्ट को, क्योंकि वो है तमाम का तमाम डिसेंट्रलाइज है और ये थ्री टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल बिजनेस है जो इस सिस्टम के थ्रू हो सकेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकेगा कि किसी का आपने क्या करना है कि किसी अमाउंट को आपने डेफिनेट अमाउंट को पीयर टू बेरर टू अनकंडीशनली एट द साइड आर एन स्पेसिफिक डेट, आपने क्या किया कि एक इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ ड्रावर हु इंटरेस्ट द पेयर टू पे अ डेफिनेट अमाउंट टू द पेयर। अब ये क्या करना चाहता है, एक इंस्ट्रूमेंट किसी ने इशू किया है और उसके थ्रू क्या करना चाहता है कि अपनी जो पेमेंट है एक फिक्स अमाउंट, एक जो पेयर है वो एक दूसरे पर्सन को पे करना चाहता है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकता है, एक स्पेसिफिक डेट के थ्रू कर सकता है। इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक के थ्रू, ये सारे चीज़ों कहाँ से पॉसिबल होगा, फिन बेल, इसकी फिनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट के थ्रू होगा कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के बदले दूसरी चीज़, जिसको हम पुराने वक्तों में बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे आज आप देख रहे हैं दोस्तों, चाइना ने, रूस और रशिया ने, इन तीन ममालिक ने एक जंग दी है इन द फिनेंशियल स्ट्रक्चर। वो जंग कैसी है, वो चाइना का जो करेंसी है उसको यूज कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ USDT। दैट्स वाई क्या था कि जो हमारा टॉप बैंक, हमारा जो अमेरिका का बैंक है, वो ब्लैकमेल कर रहा था USDT के थ्रू। तो इन लोगों ने जो अपना लेन देन है वो एक चाइनीज करेंसी के थ्रू स्टार्ट कर दिया है, टू ब्लैकमेलिंग द IMF, जो IMF का बड़ा बैंक है, उसका जो USDT है उसको डी वैल्यू करने के लिए, उसका वैल्यू कम करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इसको कहते हैं बेसिकली द बार्टर सिस्टम, कि आपने कोई करेंसी नहीं लेनी, USDT नहीं लेने, पैसे नहीं लेने, आपको चावल दिया है तो गंदम लोगे। दैट इज द बार्टर सिस्टम, एक चीज के बदले दूसरी चीज, एक चीज पेयर पे कर रहा है एंड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स। अब दोस्तों फिन सोल का जो नेक्स्ट जनरेशन GameFi सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है। GameFi जो है इसमें प्रोग्रामेबल NFT, मेटावर्स, डेफी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि 0.2.0 लेयर के ऊपर बनाए जाएंगे, और ये सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म होंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा के उसके थ्रू सारे रन करेंगे। देखिए दुनिया जैसे तरक्की कर रही है, सिस्टम भी वैसे तरक्की कर रहा है। फिन बॉक्स है दोस्तों, आप 3.0 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इसको भी डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से मैसेज करें, अपने वैलेट में मैसेज करें, एक वैलेट से दूसरे वैलेट बनाएं, आप यहाँ पे अपनी NFT को भेजना चाहें वैलेट से दूसरे वैलेट के थ्रू मैसेज करके भेजना चाहें, सारी चीज़ें आपकी क्या हों, डिसेंट्रलाइज हों, और आपके एक एड्रेस से इंस्टेंट मैसेजिंग, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितना भी सारा कुछ आपका निज़ाम है, ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से हो, इसमें किसी का कोई दखल अमल ना हो, कोई हैक ना कर सके, कोई कंट्रोल ना कर सके। दोस्तों फिनटोच के चेन के वैल्यूएशन की बात, इसकी बात आज 2023 है, जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया है वो 300 मिलियन USD, जो प्रॉफिट है वो हमारा 90 मिलियन है। ग्रोथ रेट की बात करें तो 300% है। टोटल इस वक्त जो मार्केट कैप है वो $90 बिलियन की मार्केट कैप है। दोस्तों 2024 की बात करें तो हमारा रेवेन्यू होगा वो लगभग 900 मिलियन होगा और प्रॉफिट बनेगा वो 200 मिलियन। ग्रोथ रेट तब भी 3% होगी, लेकिन उस वक्त जो मार्केट होगी 2024 के अंदर टोटल मार्केट तो $2.7 बिलियन की मार्केट होने वाली है। 2024 और 2025 को हालविंग ईयर कहा गया है, तो आपका इस इन 2 सालों को यही कहा गया है कि इसमें जो बूम आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बुलिश। तो उस वक्त जो रेवेन्यू होगा वो $2700 मिलियन होगा, और उसमें से जो होगा जो $810 मिलियन होगा, और ग्रोथ रेट तब भी 300% होगा। लेकिन 2025 के अंदर जो मार्केट हो जाएगी वो ये सपोज किया जा रहा है 5 बिलियन से लेकर 8 बिलियन की मार्केट होने जा रही है। तो दोस्तों यही वजह है कि जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को होल्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन दोस्तों फिनचेन जो नोड सब्सक्रिप्शन थी, 7 दिन का टाइम मिला था तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 6 तारीख को ख़त्म हो गया। 10,000 नोड्स थे जिसमें जो टोटल अमाउंट थी वो 10 लाख UGT की, 1 लाख UGT।
टोटल सब्सक्राइब कर सकते हैं दो चीजों से, या तो हम कैश वाउचर से या फिर USDT से। अब जो नोड क्रिएटर था दोस्तों, उसके लिए 1 लाख USDT था, वो जो पे करना था उसको, वो 10,000 USDT से एक नोड को फिलअप करना था। तो ऑलरेडी वो सारा का सारा नोड्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, हर चीज आपके सामने चुके, कितना मिलेगा, किस रेशियो मिलेगा और कितना कितना आएगा, कहाँ पर उसको हम सेल कर सकेंगे, क्या प्राइस रहेगी, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द मार्केट। नोड रिवार्ड की दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बाद जो क्रिएटर का नोड होगा, जिसने नोड को क्रिएट किया है, बाय किया है, उसको डेली के 5.47 FTC पर डे आएगा। जिसने $1 लाख से सब किया है उसको 2.43 FTC पर डे आएगा। जिसने $10,000 से सब्सक्राइब किया है उसको 0.24 FTC पर डे आएगा। जिसने $1,000 से सब्सक्राइब किया है दोस्तों 0.024 FTC पर डे आएगा। और क्रिएटर नोड की बात करें पर मंथ की दोस्तों, तो जिसने नोड क्रिएट किया उसको 164.16 FTC पर मंथ आएगा। और जिसने $1 लाख से सब्सक्राइब किया है 72.96 FTC आएंगे। जिसने $10K से सब्सक्राइब किया है तो उसको 7.29 FTC पर मंथ आएगा। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इसका प्राइस $1,000 भी हो जाता है, जस्ट $1,000, तो जिस बंदे ने $1 लाख का नोड सब्सक्राइब किया है, जस्ट इन अ 1 मंथ ही विल गेट $73,000, $73,000 इन। ये 1 मंथ का नहीं, 2 मंथ, इट्स द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड हेयर यू विल कीटिंग कंटिन्यूसली अ ह्यूज इनकम। तो दोस्तों यहाँ ये इसका इनकम है, फिन चेंज जो है कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और इसका पन स्वैग पन के आपने देख लिया कि लिस्ट हो चुका है। अब जून के एंड तक इसका फिन स्वैप भी आ जाएगा। कंपनी डेली का बाय बैक FTC एक्सचेंजेस से एक रेफरल प्रोग्राम है, आप उस रेफरल प्रोग्राम के थ्रू इसका बहुत सारा पैसा भी क्या कर सकते हैं। ओली सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट ओली सर। तो वो दो लेवल किस तरीके से काम करते हैं, फर्स्ट लेवल पे भी है परसेंट, जो हमारे पिछले इसका जो लैंडिंग बारिंग सिस्टम था सेम उसी तरह का है, फर्स्ट लेवल पे 15% और सेकंड लेवल पे 10%। बाकी इसका जो रैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, रैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कोई भी नॉर्मल यूजर्स है वो जस्ट इन्वेस्ट करेगा, डायरेक्ट में रेफर करेगा तो उसको रेफर कमीशन आएगा, इनडायरेक्ट में यूज किसी यूजर उसका जो यूजर है वो किसी को रेफर करेगा उसका भी कमीशन आएगा। बट अगर आपने बड़े लेवल पर जाना है, जैसे रैंक है, GM है, VP है, SVP है, ED है, MD है, और MD के जैसे बड़े रैंक हैं, तो वहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है। GM के लिए क्या है कि आपके पास 5 डायरेक्ट होना ज़रूरी है, जो कि एक्टिव हों, FTC यूज़र हों, जो FTC के अंदर माइन कर रहे हों, 5 यूज़र डायरेक्ट, और जो आपका इक्विलेंट होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, वो $50,000 का होना चाहिए। इस तरह आपने VP बनना है दोस्तों, VP के लिए 2 GM का होना ज़रूरी है, 2 डिफरेंट लाइंस के अंदर। SVP बनना है तो VP का होना ज़रूरी है, बट बाकी कंडीशन सेम है जैसी हमारे पिछले लैंडिंग बारिंग प्रोग्राम के अंदर थी। इसी तरह ED बनना है तो 2 SVP का होना ज़रूरी है, 2 डिफरेंट लाइन्स के अंदर। MD बनना है तो 2 ED का होना ज़रूरी है दोस्तों। ये इसके डिफरेंट रैंक्स हैं, सेम परसेंटेज है, जैसे 0 पॉइंट वहाँ पे 15% आता था, यहाँ पे 0.50% डायरेक्ट FTC वैल्यू में से आएगा, और 0.10% इनडायरेक्ट FTC वैल्यू के अंदर आएगा। और इसी तरह दोस्तों अगर आप GM बनेंगे तो 0.2% आएगा उस सारी माइनिंग का, जो कि आपकी टीम के अंदर माइनिंग हो रही होगी। इस तरह VP के अंदर 0.3% और SVP के अंदर 0.4% और ED के अंदर 0.5% और MD के अंदर 0.6%। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बनाकर यहाँ से आप एक बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन था, और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ
कि जो आज तक कंपनी ने किया है वो हमारे सामने लाइव हो चुका है। आप लोग जानते भी हैं कि आपने देखा कि आज कंप्लीटली तौर पर इसका जो ब्लॉकचेन है वो लाइव हो चुका है और इसके लिस्टिंग भी हो चुका है। मैं भी आपको रिव्यू करवा देता हूँ एप्लीकेशन का। अभी दोस्तों आपने फिनटोच एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। जब आप फिनटोच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो माइनिंग है ना डेली बेस की, वो आपको बता रही है कि इतने ब्लॉक्स हो चुके हैं और आपका जो शेयर है एक ब्लॉक के अंदर वो इतना है, इतने ब्लॉक हो चुके हैं तो आपका जो टोटल शेयर है वो इतना बन रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनिंग के अंदर आपको ब्लॉक हाइट भी मिलेगी, टोटल ब्लॉक रिवार्ड भी मिलेगा, रिलीज ब्लॉक रिवार्ड कितना हो चुका है, अनरिलीज्ड ब्लॉक रिवार्ड कितना है, और अब तक जो आप प्लीज मेरी अब ये टोटल तो दोस्तों ये जो माइनिंग हुई है मेरी तो वो 0.0045 माइनिंग हुई है और इसमें से जो रिलीज हो चुका है ना ब्लॉक वो 1600 ब्लॉक का FTC रिलीज हो चुका है जो मेरे वैलेट में अभी मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। बाकी अभी जो मेरा रिमेनिंग है जो अनरिलीज हुआ है वो आपके सामने है। लाइट है सर नहीं अंदर में तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं और इसके अलावा तो देखिए ये तो आप दे सकते हैं स्वैप ट्रेडिंग। ओली सर वहां पे मार्क करके दिखाइए ना एक बार, गोला लगा के, गोला गोलो गोलो बना गोला, कितना होने के बाद विड्रॉल कर सकते हैं वहां पे वॉलेट में। अभी सही नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? ठीक हाँ जी हाँ जी हाँ जी है तो ये देखें ये जो अभी टोटल माइनिंग हुए है ब्लॉक हुए हैं ना पिछले 2 दिनों के अंदर वो 54,359 टोटल ब्लॉक हुए हैं और अभी जो रिलीज हो चुके हैं ब्लॉक रिवार्ड वो 1600 FTC टोटल रिलीज हो चुके हैं और टोटल ब्लॉक रिवार्ड इतना बना है, अभी जो अनरिलीज है वो इतने हैं। अब टोटल हुए हैं 5,43,650 FTC माइन हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 1600 अभी रिलीज हुए हैं और बाकी का 5,42,070 FTC अनरिलीज है। तो ये स्लो स्लो रिलीज होगा। अभी मैं अपना बताऊं आपको, इतना मेरा माइनिंग हुआ है और उसमें से जो रिलीज हुआ है वो सिर्फ इतना है जो मैं अभी विड्रॉल कर सकता हूँ। ये देखिए आप रिलीज का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सारा रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। दोस्तों ये प्रोसेस बिल्कुल स्लो स्लो चलेगा और यहाँ पे जो FTC के प्राइस है वो बहुत ही ऊपर जाने वाली है। ये देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरा FTC कितना रिलीज हुआ है, डेट सब कुछ आपको दिखेगा। हर एक दिन के दूसरा दिन जब आएगा आपका माइनिंग हुआ होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब वैलेट में चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, स्वैप यहाँ पे फिर स्वैप है तो ये बेसिकली पन केक के ऊपर नहीं जाना था, पन केक को यहीं पे अटैच करना था क्योंकि तो इसका एक अपना चेंज है, अपना एक चेन है तो उसके थ्रू इसने वर्क करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम अपने USDT को इन FTC के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर हमारे पास FTC है तो उसको USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गई है USDT होती, तो यहाँ पर देखो मैं 100 USDT लिखता हूँ। अभी यहाँ पे नीचे कैलकुलेट होके वैल्यू आ जाएगी कि इस वक्त $100 के मुझे कितने FTC मिलेंगे, क्योंकि अभी देखिए मार्केट में FTC बिल्कुल नहीं है तो इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। आने वाले वक्त में इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी क्योंकि अभी जो इसका माइनिंग है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो
तो सिलोस्कोप माइनिंग करके दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही ऊपर रहेगा, इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, मजीद ऊपर जाने वाला है। अभी देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर के दिखाता हूँ आपको, इसका अगर एक यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए अभी इसका जो प्राइस है 1,111 USD एक FTC की प्राइस है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्राइस है, अभी देखिए लोगों के पास नहीं है, इसको लिस्ट किया गया है, अब आपके सामने ये सारी चीज आ गई। अभी देखिए जब इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा हम लोग माइंड स्टार्ट कर देंगे, अभी आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, और यहाँ पे लेना रिस्की भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइस डाउन भी आ सकती है, बट थोड़ा सा वेट करें, हर चीज़ को प्रॉपर चीज से चलने दें। देखिए फंड फैलाने वाले बहुत से लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, वही फंड फैलाते हैं। दोस्तों आज इस टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को आपके सामने ला कर रख दिया है, देखिए हर चीज़ ना अभी देखिए ये सारी चीज़ों को एक एग्जैक्ट टाइम में कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग यही बातें कर रहे हैं कि अब इसने ये लॉलीपॉप दिया है, अब ये लॉलीपॉप देगा, ये पहले गया है अब इस तरह करेगा, अब ये हो गया है अब ये नहीं होगा। अरे भाई अगर इस सिस्टम पर वर्क किया है, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अगर लॉलीपॉप भी देना था तो उन्होंने आना ही क्यों था, लैंडिंग बोरिंग खत्म, पैसा लिया खत्म, बात खत्म, छुप जाते, तो आप क्या कर लेते, हम क्या कर लेते। बाकी आई हजारों कंपनियां आई, लाखों कंपनियां आई, सब ने ऐसा किया तो हमने किसी को पकड़ लिया, कभी हमारा जो पैसा लगाया था कभी वसूल किया किसी ने, नहीं हुआ ना, सब लोग लेके भाग जाते हैं। बट ये मार्केट के अंदर रुके हुए हैं, आपको हर चीज लाइव करके दिखा रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सिस्टम को समझने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें, एंड वंस यू हैव स्टार्टेड टू बी अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म द बेल्ट द टीम, और आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे, अच्छा यहाँ से इनकम ले जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन के साथ मैं अपनी जूम मीटिंग एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और कल अब मैं सूरज सर को इजाज़त दूंगा कि आप आए, थोड़ा सा किसी को ना हो तो उसको बोलिए, और अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच अली अली सर को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया तरीके से अपना टाइम, कीमती समय देके सारे हमारा मित्र लोग को, हमारा जो लीडर लोग को आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया। रोजाना 8 बजे का जूम मीटिंग आप अच्छी तरीके से प्लान के जरिए से